सब्सक्राइब करें आना टेक शॉप LLP चैनल को और बेल आइकन को दबाएं सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह, आन्या टेक्सॉप LLP टेली सर्टिफाइड पार्टनर। दोस्तों आज दोस्तों मैं आपके सामने फिर से एक नया मॉड्यूल लेके आ रहा हूँ, जिस मॉड्यूल का नाम है कि ब्लॉकिंग इनएक्टिव लेजर मास्टर। कैसे हम ब्लॉक करें जो यूज में ही नहीं है मेरे पास, मास्टर लेजर्स जो यूज में नहीं है आपके दोस्तों, उस लेजर को मास्टर को कैसे ब्लॉक किया जाए। दोस्तों अक्सर कंपनी में आप लोग को भी ये इश्यूज आते होंगे कि एक ही नाम के कई दो तीन लेजर बन जाते हैं कभी कभी, और उस मास्टर को आप यूज नहीं करना चाहते फिर भी, लेकिन जब भी आप एंट्री करते हैं वो आपको मास्टर दिखता है। आप कभी कभी अकाउंट्स डिपार्टमेंट में भी दोस्तों क्या होता है, कन्फ्यूजन हो जाती है कि मुझे नए लेजर जो हमने बनाए हैं उसमें करने चाहिए एंट्री, लेकिन फिर भी हमने कई लोगों ने उसमें पुराने लेजर में ही एंट्री कर दिया है। ये दोस्तों इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये मॉड्यूल क्या करता है, जो भी आप लेजर है जो अनयूज है, जिसको आपको रिक्वायर्ड नहीं है वो लेजर मास्टर, उस लेजर मास्टर को ब्लॉक कर देता है। और उसको ब्लॉक किस तरीके से किया जाता है, किस तरीके से आपको इसमें शो नहीं करेगा, वो सारा अभी मैं आपको टैली में करके दिखाऊंगा दोस्तों किस तरीके से ये मॉड्यूल वर्क करता है। दोस्तों करने से पहले दोस्तों अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। बेल आइकन को प्रेस करने के लिए इसलिए दोस्तों बोल रहा हूँ कि कोई भी मेरी लेटेस्ट वीडियो अगर आती है तो सबसे पहले आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा। चलिए दोस्तों मैं आपको करके दिखाता हूँ कि ये मॉड्यूल वर्क कैसे करता है। सबसे पहले दोस्तों मैं टैली में जाता हूँ। टैली में मैंने यहाँ पे मॉड्यूल यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया है, यहाँ पे एक्टिवेट कर दिया है। मैं एक्टिवेट करने के लिए आपको नहीं बताऊंगा कि कैसे एक्टिवेट होता है, क्योंकि ऑलरेडी आपके इसके बारे में अपलोड कैसे होता है मॉड्यूल सारा बता रखा हूँ दोस्तों। तो चलिए टाइम खराब नहीं करते हैं, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली पे आप आ गए। गेटवे ऑफ टैली आने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन आता है F11, F11 पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कंपनी फीचर ओपन होता है। कंपनी फीचर में एक ऑप्शन देखिए, लास्ट ऑप्शन आता है दोस्तों यहाँ पे, सॉरी लास्ट ऑप्शन नहीं, अकाउंटिंग फीचर में आप जाओगे। अकाउंटिंग फीचर में जाने के बाद एंटर करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन देखिए लास्ट ऑप्शन आ गया, इनेबल इनएक्टिव ब्लॉकिंग लेजर। यहाँ पे आप यस करोगे, इसको यस कर दिया। यस करने के बाद दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना है कि अगर आप मल्टी यूजर यूज करते हैं तो सबसे पहले, क्योंकि क्या होगा ऑप्शन कि आपके पास मल्टीपल यूजर होंगे, उसके लिए आपको सारे यूजर को राइट्स ना हो ब्लॉकिंग का, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, Alt F3 करके यहाँ पे आना है सिक्योरिटी कंट्रोल। सिक्योरिटी कंट्रोल के अंदर दोस्तों सबसे पहले आपको जाना है टाइप अप सिक्योरिटी के अंदर। टाइप अप सिक्योरिटी पे एंटर करेंगे, यहाँ पे एक यूजर लेवल आप बना लो। यूजर लेवल बनाने के लिए आपको User 1 मैंने लिख दिया, आपको कुछ भी बनाया है आप बना सकते हो, या Level 1 बना सकते हो। चलो मैं Level 1 कर दिया, L1 करके एक लेवल बना दिया सिक्योरिटी लेवल। सिक्योरिटी लेवल के अंदर दोस्तों यहाँ पे जाके आपको ओनर करना है, एंटर, यहाँ पे फुल एक्सेस, यहाँ पे आपको करना है लेजर ब्लॉकिंग, एंटर कर देना है दोस्तों, यस। अब इस पर्पस को मैंने इसलिए इम्प्लीमेंट कराया है दोस्तों कि अगर आप कंपनी में मल्टी यूजर यूज करते हैं या सिंगल यूजर यूज करते हैं, ये ब्लॉकिंग का ऑप्शन केवल एडमिन को हो और यूजर्स को राइट्स ना हो कि वो फिर से उसको इनेबल कर दे, इसलिए मैंने दोस्तों ये प्रोसेस दिखाया है। अगर आप एडमिन हैं तो एडमिन के थ्रू जाके यूजर्स को ये ब्लॉक कर दें कि यूजर को राइट्स ना हो किसी भी लेजर को ब्लॉक करने का। तो यहाँ पे स्किप करिए। स्किप करने के बाद दोस्तों यहाँ पे अकाउंट इन्फो में जाएंगे, लेजर में जाएंगे, यहाँ पे अल्टर में जाएंगे। सपोज करिए ये क्लाइंट है 5 एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट्स को मुझे ब्लॉक करना है। 5 एलिमेंट्स को ब्लॉक करने के लिए दोस्तों यहाँ पे ऑलरेडी एक्चुअली मैंने ब्लॉक किया हुआ था, यहाँ पे ऑप्शन आएगा नो रहेगा। अभी मैं ऐसे कंट्रोल एस सेव करता हूँ। जब भी आप इस लेजर को यहाँ पे अल्टर करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा ब्लॉकिंग लेजर्स, इसको यहाँ पे आपको यस कर देना है। यस करके आप इस लेजर को सेव कर लीजिए। अब मैं एक एंट्री करने जाता हूँ कि देखता हूँ मुझे 5 एलिमेंट्स लेजर का ये पार्टी मुझे शो करता है या नहीं करता। एक मैं अकाउंटिंग वाउचर में जाता हूँ, मैं पेमेंट की एंट्री डाल देता हूँ, इंडसइंड बैंक, अब क्या नाम था पार्टी का, नाम 5 एलिमेंट्स। ये देखिए ये पार्टी ही नहीं शो कर रही है मुझे, क्योंकि ये ब्लॉक हो गया है लेजर। इस तरीके से दोस्तों आप कोई भी पार्टी, कोई भी लेजर, जो भी आपके मास्टर्स आपके पार्टी आ रही हैं, आप उस लेजर को ब्लॉक कर सकते हो। जैसे कि और दूसरा कोई मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे 76 फ्रांस कॉलोनी,
अभी मैं देखता हूँ कि 76 फ्रेंड्स कॉलोनी मुझे वाउचर में आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर मैं वाउचर में जाके पेमेंट की एंट्री करता हूँ 76, यहाँ पे देखो ये लेज़र ऑलरेडी दोस्तों आ रहा है। अब मुझे इस लेज़र को ब्लॉक करना है कि मुझे इसलिए ये लेज़र शो ना हो कब कोई कभी भी जब भी मैं ये एंट्री करूँ, कोई भी एंट्री, चाहे सेल करूँ, चाहे परचेज करूँ, चाहे पेमेंट करूँ। अब मैं इस लेज़र को ब्लॉक करना है मुझे। आप गेटवे ऑफ टैली पे आएंगे, अकाउंट इन्फो, लेजर्स, अल्टर में जाएंगे, यहाँ पे 76 फ्रेंड्स कॉलोनी, यहाँ पे एंटर करेंगे सेंडिकेटर्स, यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आ रहा है ब्लॉक लेजर, इसको यस कर दीजिए। एंटर एंटर करके आप सेव कर लो, उसको सेव कर लीजिए। अब सेव करने के बाद दोस्तों मैं एक बार फिर से जाता हूँ वाउचर में। अब यहाँ पे ले लिया कैश, अब मुझे 76 फ्रेंड्स कॉलोनी को पेमेंट करना है। देखिए ये भी लेजर दोस्तों यहाँ से हाइड हो गया। इस तरीके से दोस्तों आप कोई भी लेजर, कोई भी मास्टर आपको ब्लॉक करना है, आप पार्टी में एडमिन के थ्रू आप लेजर को अल्टर करके वहां पे ब्लॉक कर दीजिए, जिससे कि आपकी कंपनी में ट्रांजेक्शन में कोई प्रॉब्लम ना हो, डबल एंट्री कोई आपके ओल्ड लेजर को यूज ना हो। क्योंकि दोस्तों ये आप कई लोग सोचते हैं कि मैं ये लेजर ही मैं डिलीट कर दूं, क्योंकि दोस्तों क्या होता है अगर आप ट्रांजेक्शन 2-4 महीने उस लेजर में उस मास्टर में एंट्री कर चुके होते हैं तो आपको भी पता होगा दोस्तों कि वो मास्टर डिलीट नहीं होता जब तक कि वो सारी एंट्री उस लेजर से ना मैं हटाए। तो आपके पास भी इतना 2000-3000 कितनी भी एंट्री होंगी, आप कितने लेजर आप उसको हटाओगे, इसलिए उस प्रॉब्लम को देखते हुए दोस्तों ये मॉड्यूल रेडी किया गया है कि आप कोई भी मास्टर्स को ब्लॉक कर सकते हैं। अब आपको मैं फर्स्ट सेकंड जो आपको बताया था कि यूजर क्यों मैंने यूजर को ब्लॉक किया था, आपने देखा था सिक्योरिटी कंट्रोल में जाके मैंने यूजर को दिया था। यहाँ पे आप देखिए सिक्योरिटी कंट्रोल टाइप ऑफ सिक्योरिटी मैंने यहाँ पे लेवल वन में एक ब्लॉक कर दिया। अब यहाँ पे मैं एक लेवल वन में एक यूजर बना लेता हूँ दोस्तों। लेवल वन मैंने यूज बनाया था यहाँ पे, अब मैं बना लेता हूँ यूजर, यूजर कि देखता हूँ कि इस यूजर को राइट्स है या नहीं है ब्लॉक करने के, या उसको जो ब्लॉक है लेजर उसको हटाने के लिए। यहाँ पे दोस्तों मैं यहाँ पे बंद करता हूँ कंपनी। अब यहाँ पे मैं यूजर्स ओपन करता हूँ दोस्तों, यूजर यूजर। अब मैंने दो लेजर ब्लॉक किए हैं दोस्तों, आपको दिखा देता हूँ लेजर में जाके अल्टर। एक मैंने 5 एलिमेंट्स आपने देखा, एक 70, दो लेजर को मैंने ब्लॉक कर दिया। अब सपोज करिए ये यूजर्स को एडमिन ने ब्लॉक कर रखा है लेकिन यूजर इसको ऑन करना चाहता है, तो ये क्या ऑप्शन मिलता है उसको ऑन करने का। अब मैं 5 एलिमेंट्स में जाता हूँ, यहाँ पे देखिए दोस्तों ब्लॉकिंग लेजर का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है कि उसको नो करने का, तो ये राइट्स आपको यूजर को नहीं मिलेगा। आप इस तरीके से अगर आप किसी भी कंपनी अगर मल्टी यूजर यूजर है, मल्टीपल लोग्स हैं काम करते हैं, तो आप एडमिन को ही राइट्स होगा, ये यूजर्स को राइट्स नहीं मिलेगा कि वो उस लेजर्स को अगेन उसको ओपन कर दे या किसी भी लेजर को ब्लॉक कर दे। ब्लॉक करने का ऑप्शन दोस्तों केवल एडमिन को ही रहेगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये मॉड्यूल आपका वर्क करता है। अगर ये मॉड्यूल आपको अच्छा लगा है दोस्तों तो लाइक कर दीजिए, अगर बाय करना है तो आपको नंबर आ रहा होगा मेरा ऑलरेडी शो हो रहा है स्क्रीन पे, आप उस पर कॉल करके बाय कर सकते हैं। बहुत ही छोटा सा स्मॉल सा अमाउंट है, कोई आपको बहुत बड़ा अमाउंट पे नहीं करना है इसके लिए। और ये वीडियो अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिए देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगा है, और शेयर कर दीजिए मेरे वीडियो को कहीं भी जहां पे भी ये मॉड्यूल्स रिक्वायरमेंट होगी दोस्तों। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों प्लीज से फिर से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।